हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने जिस दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग कंपैरिजन को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट किया था, फाइनली आज वो वीडियो आ गया है। मोटो G34 वर्सेस मोटो G54 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन अभी के टाइम पर अंडर 11 और अंडर 13,000 पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन दोनों स्मार्टफोन को तो आप लोग एक साथ नहीं ले सकते हो, इसीलिए चलो आज इस वीडियो के अंदर दोनों स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर मैक्स गेम को मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर खेल के देखते अंडर 13,000 की जब से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलो सबसे पहले मोटो G34 स्मार्टफोन के ऊपर गेम को खेल के देखते, उसके बाद मोटो G54 स्मार्टफोन के ऊपर भी गेम को खेलेंगे। और हाँ, दोनों स्मार्टफोन का गेम प्ले खत्म होने के बाद मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन गेमिंग के लिए सही रहेगा। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को लेना चाहते हो। तो अभी गाइस देख सकते हो मोटो G34 5G स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ फ्री फायर मैक्स गेम हो गया है ओपन। ओपन होने के बाद ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट मेरा 95 है और ग्राफिक्स में मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहा, हाई FPS, शेडो, कलर फिल्टर, हाई डेज सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते हैं, उसके बाद सेम ग्राफिक्स के साथ ही मोटो G54 5G स्मार्टफोन के ऊपर भी सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखेंगे। Down.
सो गाइस, आप लोगों ने तो मोटो G34 5G स्मार्टफोन के ऊपर मैक्स ग्राफिक्स के साथ सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के साथ ही मोटो G54 स्मार्टफोन के मदद से सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले को देखते हैं। तो मोटो G54 स्मार्टफोन के ऊपर गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट 92 है और ग्राफिक्स सेम जो ग्राफिक्स है मोटो G34 के अंदर था, सेम ग्राफिक्स मतलब मैक्स के ऊपर ही खेल रहा हूँ। हाई FPS, कलर फिल्टर, शेडो, हाई रिज सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर इस स्मार्टफोन के मदद से भी सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते और इस गेम प्ले को देखने के बाद मैं दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा सब कुछ क्लियर करके बोल दूंगा। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने तो दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर मैक्स ग्राफिक्स के साथ फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी चलो कौन सा स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है देखते हैं। तो सबसे पहले मोटो G34 स्मार्टफोन की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695 वो गाइस अंडर 11,000 के हिसाब से काफी बढ़िया चिपसेट है, क्योंकि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4,50,000 के करीब देखने के लिए मिल जाएगा जो प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा खासा एंटूटू बेंचमार्क स्कोर बोल सकते हो। तो आप लोगों को मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ज़्यादा कुछ इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स आप लोगों को नोटिस हो जाएगा, लेकिन लैग रिलेटेड कोई भी इशू मेरे को तो फेस करना नहीं पड़ा है। बट स्नैपड्रैगन 695 का प्रॉब्लम है आफ्टर 6 मंथ आप लोगों को लैगिंग इशू देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर फुल मैप रैंक मैच को खेलना चाहते हो तो मैक्सिमम अल्ट्रा के ऊपर खेल सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट मोटो G54 स्मार्टफोन की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट है मीडियाटेक डायमोसिटी 7020 ये गाइस अंडर 13,000 के हिसाब से काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, क्योंकि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4,70,000 के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो मैक्स ग्राफिक्स के साथ अगर आप लोग गेम खेलोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके तो आप लोगों को ना लैग ना फ्रेम ड्रॉप्स कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाइस लॉन्ग टर्म यूज और गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से मोटो G54 थोड़ा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट गाइस सेंसिटिविटी की बात करें तो मोटो G34 के अंदर अब लोगों को 6.5 इंच HD+120Hz रिफ्रेश रेट वाला एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मोटो G54 के अंदर है सेम 120Hz रिफ्रेश रेट वाला फुल HD+ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज मोटो G54 क्लियर विनर है, बट सेंसिटिविटी दोनों स्मार्टफोन का मेरे को सेम ही देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी मोटो G54 क्लियर विनर है, क्योंकि मोटो G54 के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6000mAh का एक मैसिव बैटरी, बॉक्स के अंदर 33W का फास्ट चार्जर भी है। बट मोटो G34 के अंदर गाइस 5000mAh बैटरी प्लस 20W इनबॉक्स चार्जर। तो गाइस बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग मोटो G54 का फार बेटर है। नेक्स्ट गाइस कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के ऊपर आप लोगों को रियर साइड के अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा 50MP मेन सेंसर, लेकिन G54 के अंदर 50MP वाइस के साथ आता है, उसके साथ 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और मोटो G34 के अंदर 50MP नॉर्मल सेंसर
और 2MP मैक्रो सेंसर है। तो गाइस यहाँ पर भी रियर कैमरा के मामले में मोटो G54 क्लियर विनर है, बट जो फ्रंट कैमरा है दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा सेम 16 मेगापिक्सल और कैमरा क्वालिटी दोनों का ही ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस हर एक स्पेसिफिकेशन मोटो G54 का बेटर देखने के लिए मिलता है मोटो G34 के कॉम्पिटिशन में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मोटो G34 एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, 1 ईयर एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगा, मतलब 15 तक जा सकता है। लेकिन मोटो G54 एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और 1 ईयर अपडेट यहाँ पर भी मिल जाएगा, मतलब 14 तक ही आप लोग अपडेट कर पाओगे। और गाइस प्राइसिंग की बात करें तो आफ्टर बैंक ऑफर मोटो G34 8GB रैम 128GB स्टोरेज आप लोगों को 11,000 पर मिल जाएगा और G54 आफ्टर बैंक ऑफर 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट आप लोगों को 13,000 पर मिल जाएगा, मतलब 2000 का डिफरेंस है। तो 2000 अगर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो मोटो G54 मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय।